हाय हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? ओके, सो आज हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं बीसीके का और हमारा सिलेबस फिर बीसीके का ओवर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा ये बीसीके का लेक्चर क्लासेस बहुत पसंद आया होगा एंड यू ऑल बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस दीज लेक्चर्स। ओके, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर 6 जो हम बिगिन करने वाले हैं। इस चैप्टर से ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा था कि ये 6 चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है ये सीए फाउंडेशन के लिए और हर चैप्टर इक्वल वेटेज रखता है। ठीक है, हम किसी को भी कम या ज्यादा नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। ऑल द 6 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ द चैप्टर्स कवर द इक्वल मार्क्स। ओके, तो यहां से मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 10 मार्क्स अराउंड तो आपका इस चैप्टर से आएगा ही विदाउट एनी डाउट। ये 10 मार्क्स के लिए जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें सारे टर्म्स को मैं अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। तो अब आपने जो ये बुक खोला होगा, ये चैप्टर खोला होगा, तो आई एम वेरी श्योर कि आप ना थोड़ा घबरा गए होंगे क्योंकि इतने सारे टर्म्स है एंड हाउ इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टर्म्स और सारे डेफिनेशंस को याद करना इतना इजी नहीं है। बट लेट मी टेल यू, आप भूल रहे हो कि इट इज एन एमसीक्यू, आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है आएगा। सो यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशंस। ओके, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दैट। आपको सिर्फ करना क्या है, मैं आपको क्लास में जो भी चीजें समझाऊंगी उसको एग्जैक्टली वैसे ही समझना है, उस पर पे अटेंशन करना है और आई एम टेलिंग यू ऑल द एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगी विद एग्जाम्पल समझाऊंगी ताकि एमसीक्यू में ऐसा रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आंसर कर सकोगे। और कहां पे बच्चे गलती करते हैं, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब भी मैं आपको क्लास के टाइम क्लास ड्यूरिंग द क्लास आई विल बी टेलिंग यू ऑल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि आपको क्या क्या है। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक माई क्लास प्लीज एक थम्स अप तो बनता है सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू प्रोवाइड यू विद मोर क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन नाउ। और जिसको नोट्स चाहिए, मेरे जो नोट्स है, ये जो नोट्स अवेलेबल मैं करवाऊंगी, ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है, ये है क्या? ये बेसिकली आपके बिजनेस टर्मिनोलॉजी से डील करता है। किससे डील करता है? बिजनेस के टर्म से। जो भी आप बिजनेस में रेगुलर यूसेज करोगे, रेगुलर तरीके से यूज करोगे, वो सारे टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। अब ये टर्म्स ना, इसमें से बहुत सारा टर्म्स है जो आपको एकदम लाइक यू विल जस्ट बी ब्लोन अवे बिकॉज आपने ऐसा टर्म्स, नए नए टर्म्स आपने नहीं सुने होंगे। लेकिन ये सारे टर्म्स बाय द एंड ऑफ योर सीए फाइनल, जब आपका सीए खत्म हो जाएगा एंड बाय द टाइम यू रीच योर सीए फाइनल, You will be used to all the terms, क्योंकि ये सारी चीजें आप कोई ना कोई पॉइंट पे, कोई ना कोई चैप्टर पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अभी क्या है, ये सारे टर्म्स से आपको थोड़ा अक्वेंटेंस करवाने के लिए आईसीएआई ने ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड कराया है। तो हम किसको वैसे ही पढ़ेंगे, उतना ही मैं आपको समझाऊंगी जितना जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीजों का डिटेल्ड जो आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है वो ऑलरेडी आपको आगे इंटरमीडिएट लेवल पे और आपके फाइनल लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको एटलीस्ट जो भी एमसीक्यू है वो आप आराम से विदाउट गिविंग अ थॉट आप आंसर कर सको। ओके, सो लेट्स बिगिन। इस पूरे टर्म्स को कुछ कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हर टॉपिक पे हर टाइप्स के टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करके उसको शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। तो आई होप आपको ये नोट्स भी हेल्प करेगा टू रिवाइज ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। ओके, दीज नोट्स आर मोर देन इनफ, यू डू नॉट नीड टू फॉलो योर बुक ऑल्सो। ठीक है, मैंने सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगी, कुछ कुछ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी अभी, तो वो मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम माई चैनल एज वेल। सो लेट्स बिगिन। चलो, तो देखो, फर्स्ट जो आपका ये टर्मिनोलॉजी है, इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका फाइनेंस स्टॉक कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी। मतलब बेसिकली एक ओवरऑल व्यू मैं आपको समझाने वाली हूं कि कौन सा चीज क्या होता है।
तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट. और देखो आपके बुक में बहुत सारे टर्म्स होंगे, मैं कुछ कुछ टर्म जैसे डेटर, क्रेडिटर, ये सारे टर्म्स तो देखो आपको पता है, तो वो मैं नहीं ले रही. मैं सिर्फ वही टर्म्स दूंगी जिसका मतलब आपको नहीं पता है और वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, बाकी सब आप गो थ्रू कर सकते हो. बैड डेट्स क्या समझाना है इसमें, आपको पता है बैड डेट्स क्या होता है, राइट? तो वो सारे टर्म्स को थोड़ा सा स्किप करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको समझाऊंगी इधर. ठीक है, लेट्स बिगिन नाउ. अब द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट जो फर्स्ट आपका टर्म है दैट इज अमोर्टाइजेशन. क्या है आपका अमोर्टाइजेशन? नाउ यू ऑल नो कि आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपको पता है ना डेप्रिसिएशन क्या होता है. आपका जो एसेट्स होता है वो एसेट्स आपका वेयर एंड टेयर हो जाए, वेयर और टेयर हो जाए मतलब कि वो आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप यूज करते हो तो क्या उसके बाद भी आप यूज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते. वैसा ही आपका अमोर्टाइजेशन होता है जो आपका होता है फॉर इनटैंजिबल एसेट्स. किसके लिए होता है? इनटैंजिबल एसेट्स के लिए होता है. ये एक चार्ज होता है जो आप हर साल एक रेगुलर पोर्शन आप चार्ज करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ओके तो एग्जाम्पल लीजिए जैसे आपका गुडविल. ठीक है ना, आपको पता है गुडविल क्या है, आपका इनटैंजिबल एसेट्स है, इनटैंजिबल एसेट है ये आपको पता है. अब गुडविल जो है वो आपका एक तरीके से अमोर्टाइज हो सकता है ना. अमोर्टाइज का मतलब हो गया जैसे आप नॉर्मल जो टैंजिबल एसेट्स होते हैं उसका हम डेप्रिसिएशन करवाते हैं, उसी तरीके से हम इनटैंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन करवाते हैं. मतलब रेगुलर पीरियड्स में हम कुछ एक पोर्शन को एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं. जैसे डेप्रिसिएशन को आप पीएल बनाते हो तो आप एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन दिखाते हो ना, राइट? वैसे ही अमोर्टाइजेशन को भी हम एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं, लेकिन ये किसके लिए होता है? ये इनटैंजिबल एसेट्स के लिए होता है. क्लियर? इजी? तो देखो मैंने आपको बोला, आपको समझ में आ गया, एग्जाम के टाइम पे आप इजीली आंसर कर सकते हो. जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. तो चार्ज रेगुलर पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक रेगुलर पोर्शन होता है जैसे हर साल 10,000 निकालेंगे, हर साल 1,00,000 निकालेंगे, इस तरीके से ओवर अ फिक्स्ड पीरियड जैसे 5 साल 10 साल ऑफ टाइम फॉर इनटैंजिबल एसेट्स. किसके लिए निकालते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स के लिए निकालते हैं. अमोर्टाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, जैसे डेप्रिसिएशन वैसे अमोर्टाइजेशन. क्लियर? नेक्स्ट आर्बिट्रेज. आई नो इट इज अ वेरी न्यू टॉपिक, आई नो कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ भी नहीं आएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा. तो लेट्स मूव अहेड कि आर्बिट्रेज होता क्या है. साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल of two identical commodities or instruments in different market to get advantage of the price. Now, what do you understand by this? अब इसका मतलब क्या होता है? Please यहां ध्यान से सुनिए, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो. ठीक है, इसका ध्यान से सुनिए कि इसका मतलब क्या होता है. यही समझा देती हूँ ताकि आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाए. ओके, तो देखो यहां पे प्लीज एवरीवन पे अटेंशन टू व्हाट एवर आई एम सेइंग. नाउ प्लीज टेक एन एग्जांपल ऑफ, हम किसका एग्जांपल लेंगे? हम ऑरेंजेस का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, मैं हमेशा ऑरेंजेस का लेती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, ऑरेंजेस का एग्जांपल लेते हैं. अब ये जो ऑरेंजेस है आप लखनऊ में खरीदते हो, किसमें खरीदते हो? लखनऊ में खरीदते हो, और आपको मिलता है पर केजी. आपको कितना मिलता है? पर केजी मिलता है 8 रुपीज. कितने रुपीज में मिलते हैं? 8 रुपीज 50. ठीक है ना. यही जब आप फॉर एग्जाम्पल यही जब आप कोलकाता में बेचते हो, वहां पे कोलकाता में खरीदने जाते हो तो आपको पर केजी मिलेगा 8 रुपीज 90. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 8 रुपीज 90. अब यहां पे आप मेरे को दो चीज बताओ, ऑरेंजेस क्या है? सेम कमोडिटी है ना, एक ही कमोडिटी है जो लखनऊ में भी है और वही सेम क्वालिटी सेम एवरीथिंग कोलकाता में भी है. यहां पे मार्केट क्या है? मार्केट आपका क्या है? डिफरेंट है. ये आपका लखनऊ का मार्केट हो गया, ये आपका कोलकाता का मार्केट हो गया. मेरी बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या आगे सुनना. अब आप क्या करोगे? अब आप इसका फायदा उठाओगे. ये जो प्राइस डिफरेंस है, इस प्राइस डिफरेंस का आप क्या करोगे? फायदा उठाओगे. तो आप क्या करोगे?
यू विल बाय फ्रॉम, यू विल व्हाट विल यू डू, यू विल बाय फ्रॉम लखनऊ, आप लखनऊ से खरीदोगे एंड सेल इन कोलकाता और कोलकाता में बेचोगे, तो आपको बेनिफिट होगा ना, कितने रुपीज का बेनिफिट होगा, ₹40 का बेनिफिट होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज। तो देखो वापस से रीड कर रही हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी को कहते हैं हम आर्बिट्रेज। इसका देखो क्या लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज, दो आइडेंटिकल और इनके होना चाहिए, आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जैसे आपका शेयर वॉरेंट्स, आपका इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, वो सारी जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन डिफरेंट मार्केट टू गेट एडवांटेज ऑफ द प्राइस, आप ये प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज लोगे और इसको सेल कर दोगे दूसरे मार्केट में, एक मार्केट से खरीदोगे दूसरे मार्केट में सेल कर दोगे और आपको ये जो प्रॉफिट है वो आप कमा लोगे। समझ में आया? इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो अब आप कर पाओगे इजीली, आर्बिट्रेज का मतलब आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव फर्दर विद आवर आस्क एंड ऑफर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आपको इतने भर भर के आने वाले हैं ना एग्जाम के टाइम पे कि आप खुद बोलोगे कि अरे इतने सारे। चलो अब आस्क एंड बिड का मतलब क्या होता है, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो ये लिखे हुए भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे एंड विदाउट द रिटन वन। ओके, जस्ट ज्वाइन द चैनल दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द लिंक बिलो, सो प्लीज सी एवरीवन। यहाँ पे देखो आस्क एंड ऑफर का मतलब क्या होता है, अब मेरी बात सुनो। अब मैं ऑरेंजेस का ही एग्जाम्पल लूंगी, ठीक है, सपोज ये ऑरेंजेस है और ये आपका ऑरेंज का सेलर है, कौन है, सेलर है। सेलर ने कहा कि भाई साहब मुझे ना ऑरेंजेस बेचना है, ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑरेंजेस, ठीक है, तो इस ये कितना बोलेगा, इसने कहा ₹50 पर केजी, इसने क्या कहा, ₹50 पर केजी में मैं बेचूंगा, ठीक है ना। जो सेलर बोली लगाता है, जो ऑफर सेलर देता है कि भाई साहब इतना में मैं बेचूंगा, इतना में ही मैं बेचूंगा, उस प्राइस को हम कहते हैं आस्क या फिर ऑफर प्राइस। मेरी बात समझ में आ गई, आस्क या ऑफर प्राइस, जिसमें ओनर इज विलिंग टू सेल, जो ओनर सिक्योरिटीज का मतलब, यहाँ पे देखो हम मार्केट से डील कर रहे हैं, तो ऑरेंजेस मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे हम जनरली सिक्योरिटीज से डील करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर्स हो गए वगैरह, तो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाने के लिए मैंने ऑरेंजेस का एग्जाम्पल लिया है। अब जो प्राइस में ओनर बेचने को रेडी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आस्क या ऑफर प्राइस, क्या कहेंगे, आस्क या ऑफर प्राइस, ठीक है ना। और एक और चीज, अब बिड का भी दोनों को मिलके समझेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑरेंजेस है, इसको खरीदने कौन आया, इस ऑरेंजेस को खरीदेगा कौन, हमारा बायर, बायर खरीदेगा ना। बायर ने कहा नहीं भाई साहब ये तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आप मुझे ये दे दो एट ₹40, कितने में दे दो, ₹40 पर केजी में दे दो, ₹40 पर केजी में दे दो। तो जिस प्राइस में, द हाइएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे फॉर सिक्योरिटीज, बायर इज विलिंग टू पे फॉर सिक्योरिटीज, उसको हम कहते हैं बिड प्राइस, क्या कहते हैं, बिड प्राइस कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना, तो मैंने क्या कहा, वापस से रिपीट कर रही हूं, यहां पे सुनना प्लीज। मैंने कहा आस्क का मतलब होता है वो प्राइस जो आपका सेलर रेडी है बेचने को, सबसे कम से कम दाम, देखो भैया 50 से नीचे तो नहीं बेचूंगा, मतलब द लोएस्ट प्राइस एट विच द सेलर इज विलिंग टू सेल, समझ में आ गया। और द हाइएस्ट प्राइस, नहीं भैया 40 से ऊपर तो दूंगा ही नहीं, 40 तो लेना ही पड़ेगा, तो हाइएस्ट प्राइस ये हो गया लोअर, ये हो जाता है हाइएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू बाय एट, इसको कहते हैं बिड। तो बी फॉर बिड, बी फॉर बायर, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, बी फॉर बिड बी फॉर बायर, समझ में आया, बायर जो विलिंग है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूं, ठीक है, अब मुझे बताइए विल माय बिड प्राइस बी हायर और आस्क प्राइस,
कौन सा प्राइस ज्यादा होगा, बिड प्राइस या आस्क प्राइस? सोचो सोचो, सेलर कह रहा है 50 में बेचूंगा, बायर कहता है नहीं 60 में लेऊंगा, ऐसा होता है कभी? सेलर कहेगा मैं 50 में बेचूंगा, बायर कहेगा नहीं मैं खरीदूंगा तो 60 रुपीज में खरीदूंगा, ऐसा होता है? नहीं ना, हमेशा आपका आस्क प्राइस ज्यादा बड़ा होता है, ऑलवेज ऑलवेज। तो आस्क प्राइस क्या होता है? ऑलवेज मोर। आस्क प्राइस इज ऑलवेज मोर देन बिड प्राइस। समझ में आ गया? आस्क प्राइस इज ऑलवेज मोर देन बिड प्राइस। क्लियर? ठीक है ना, चलो लेट्स मूव अहेड। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव अहेड, ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं कि व्हाट इज दिस ब्रेक इवन पॉइंट। Now, what is this break-even point? Please, यहां देखिए एवरीवन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, होता क्या है? आप ऑरेंजेस बेच रहे हो, आपने ऑरेंजेस सेल किया 40 रुपीज इंटू 10 kgs, ठीक है ना? कितने हुए आपके, कितने हुए? 400 रुपीज हुए, आपकी कमाई हो गई, रेवेन्यू हो गया, राइट? रेवेन्यू हो गया। इसी में आपके एक्सपेंसेस लगे होंगे ना, ऑरेंजेस को खरीदा होगा आपने, उसको अच्छे से स्टोर किया होगा वगैरह वगैरह, तो आपके कुछ तो एक्सपेंसेस लगे होंगे। तो वो एक्सपेंसेस आपके कितने लगे होंगे? फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ 20 रुपीज लगे होंगे, तो 20 × 10 kgs आपका एक्सपेंसेस लगा होगा, तो कितना होगा? 200 रुपीज, राइट? तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया आपका 200, हो गया ना प्रॉफिट 200, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ब्रेक इवन में क्या होता है? ब्रेक इवन ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट एट विच द लेवल एट विच, यहां देखो, द लेवल एट विच योर रेवेन्यू, आपका ये जो रेवेन्यू है इज इक्वल्स टू योर एक्सपेंसेस, मतलब आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंस से इक्वल होगा, मतलब देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में वो लेवल कौन सा है? वो लेवल कब आएगा जब आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा? वो आएगा जब आप 5 kgs को बेच चुके होंगे। आप जब 5 kgs एट 40 बेच चुके होंगे तो आपका एक्सपेंसेस आ चुका ना, एक्सपेंसेस कितना था? 200। एंड व्हेन यू सोल्ड 5 kgs एट ₹40, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपको मिल गया। इस पॉइंट पे आपका कोई भी ना प्रॉफिट था ना लॉस था, मतलब आपने अपना एक्सपेंसेस को रिकवर कर लिया। इसके ऊपर जितना भी कमाएंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? इसके ऊपर आप जितना भी कमाएंगे वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, क्या मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बार आए हुए हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ क्या कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहूं, कितना है ब्रेक इवन पॉइंट? 200 रुपीज, राइट? 200 रुपीज आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर मतलब 5 kgs बेचोगे, इसके ऊपर अगर आप कुछ भी कमाते हो तो ये आपका प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर कुछ भी, ठीक है? और इसके नीचे अगर आप कुछ भी करते हो तो ये आपका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंसेस ही रिकवर नहीं हो रहा, आपका तो एक्सपेंसेस ही रिकवर नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ भी कमाते हो, कुछ भी, तो वो आपका प्रॉफिट, और इसके नीचे अगर आप कुछ भी कमाते हो तो वो आपका लॉस ही जाएगा। क्लियर? और ब्रेक इवेंट में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां लिखो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? क्लियर एकदम? तो ये वाला चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अभी तक आपको समझ में आ गया ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है एंड व्हाट आर ऑल दीज। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका स्टॉक मार्केट बेसिस। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है? स्टॉक मार्केट का बेसिक्स हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका? बेस प्राइस। व्हाट इज इट? बेस प्राइस। बेस प्राइस का क्या मतलब होता है? इसको समझने के लिए आपको मार्केट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मार्केट समझना पड़ेगा। जल्दी से देखते हैं मार्केट क्या होता है। अभी जैसे जैसे आप बड़े होगे, जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट में जाओगे, आपका मन करेगा कि शेयर में इन्वेस्ट करो। जब आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे, विच आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट इन्वेस्ट सम
नॉट ऑल द मनी, एटलीस्ट कुछ 5,000 करीब करीब आप इन्वेस्ट करिए, अभी नहीं बाद में, वंस यू अंडरस्टैंड, वंस यू रीच योर इंटरमीडिएट लेवल एंड आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए शेयर मार्केट का, तब आप एक बार इन्वेस्ट करके देखिए, एंड ओनली फॉर 5,000, नॉट मोर देन दैट अगर पॉसिबल है, और उसको वही उसी पैसे को ऊपर नीचे करके देखिए कि शेयर मार्केट होता क्या है, आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ शेयर मार्केट। चलो जी उसको छोड़ते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं कि व्हाट इज अ शेयर मार्केट, इसको समझना कैसे है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपका शेयर मार्केट क्या होता है, बेसिकली आपका बहुत सारे कंपनीज होते हैं, कंपनीज के शेयर होते हैं, आप शेयर खरीदते हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हो, क्या मोटिव होता है खरीदने का, कि ये शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा आप उसको बेचोगे और आप प्रॉफिट कमाओगे, बेसिकली यही होता है, सब कोई ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो शेयर होता है ना, ये डे टू डे बेसिस पे भी होता है, पर डे के बेसिस पे भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका टाटा, टाटा का शेयर लेते हैं, ठीक है ना, ये टाटा का शेयर आपका दिन का फर्स्ट डे का स्टार्टिंग में इसका क्या प्राइस होता है, सुबह की 9 बजे मार्केट खुलती है आपकी, कितने बजे मार्केट खुलती है, 9 बजे आपकी मार्केट खुल जाती है, याद रखना 9 बजे आपकी मार्केट खुलती है। तो फर्स्ट डे एट 9 AM आपको पता पड़ेगा कि टाटा का शेयर प्राइस कितना है, फॉर एग्जाम्पल टाटा का शेयर प्राइस है 260, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब ये जो ओपनिंग प्राइस हो गया ना, ये जो ओपनिंग बिगिनिंग ऑफ द डे, इसको हम क्या कहते हैं, बेस प्राइस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस प्राइस कहते हैं, ठीक है। फिर आपका मार्केट बंद हो जाता है, मतलब आपका ट्रेडिंग बंद हो जाता है एट अराउंड 3:30 PM को आपका मार्केट बंद हो जाता है, तब आपका प्राइस कितना रहता है, तब आपका प्राइस सपोज रहता है 290, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ते रहता है, कभी कम होता है, कभी कम भी हो सकता है, जो भी हुआ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज प्राइस, क्या कहते हैं, क्लोज प्राइस। तो क्या मैं यहां पे लिख सकती हूं प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, मतलब कि जो आपके बिगिनिंग में है ना उसका प्राइस को हम बेस कहते हैं, जो आपके क्लोजिंग में है ना उसको हम क्लोज प्राइस कहते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट डे के स्टार्टिंग में एट अराउंड बिगिनिंग ऑफ द डे में जो प्राइस है उसको हम क्या कहेंगे, बेस प्राइस कहेंगे, और जो आपके दिन के एंड में जो प्राइस है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज प्राइस कहेंगे, क्लियर, बराबर। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, आगे का टॉपिक क्या है, देखो यहां पे बिजनेस डेज, डेज व्हेन स्टॉक मार्केट इज ओपन, ऐसा दिन जब जब आपका स्टॉक मार्केट खुला रहता है, ठीक है ना, तो जो भी दिन आपका स्टॉक मार्केट खुला रहता है उसको हम बिजनेस डेज कहते हैं, इजी, ठीक है, जिस दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ प्री ओपन सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री ओपन सेशन समझ लिए, अच्छे से समझिए क्या है प्री ओपन सेशन। मैंने आपको कहा कि आपका मार्केट ओपन होता है 9 AM को, कितने बजे ओपन होता है, 9 AM को ओपन होता है, ठीक है ना, 9 AM को आपका मार्केट ओपन हो जाता है, वेरी गुड। तो क्या मैम हम 9 AM को जल्दी से 9 बजाने और मार्केट बाइंग सेलिंग चालू कर दे क्या, नहीं, 9 AM तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने का टाइम मिलता है ना, 15 मिनट्स मिलता है ना, आप जैसे आपका 2 बजता है एग्जाम का टाइम होता है, 2:15 आपको रीडिंग टाइम मिलता है, वैसे ही आपका मार्केट में ट्रेडिंग एंड बाइंग करने के लिए, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, उसके पहले आपका एक प्री ओपन सेशन होता है, उसको जैसे आपको रीडिंग टाइम मिलता है, वैसे ही सारे ट्रेडर्स को एक टाइम दिया जाता है ऑफ 15 मिनट्स, ऑफ 15 मिनट्स। तो इन दोनों के बीच में जो ये 15 मिनट्स का टाइम है ना, इसको हम कहते हैं प्री ओपन सेशन। इस सेशन में होता क्या है, आप करते क्या हो, जैसे क्वेश्चन पेपर को तो रीड करते हो 15 मिनट में, इसमें आप क्या करते हो, इट इज फॉर 15 मिनट्स इन विच वी कैन मेक ऑर्डर एंट्री। आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर की एंट्री डाल सकते हो, आपका कोई मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हो, कोई कैंसिलेशन है वो कर सकते हो, लेकिन खरीद और बाय नहीं कर सकते। आप सारी चीजें सेट कर लो, ठीक है ना, लेकिन खरीदना और बाय करना वो आपका कौन सा टाइम पे होगा, 9:15 to 3:30 AM ही होगा। समझ में आया, तो प्री ओपन सेशन को आप क्या समझ सकते हो, रीडिंग टाइम समझ सकते हो, जैसे आपने सारी चीजें सेट कर ली, अब सेट करते ही 9:15 में जैसे ही स्टार्ट हुआ और आप लग गए बेचने को और खरीदने को। तो ट्रेडिंग सेशन क्या होता है, पीरियड फॉर विच मार्केट इज ओपन फॉर बायर्स एंड सेलर्स, जो मार्केट आपका ओपन रहता है बायर और सेलर के लिए। एकदम इजी, समझ में आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। बास्केट ट्रेडिंग किसको कहते हैं, बास्केट ट्रेडिंग, बहुत इजी है,
बास्केट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक एक शेयर खरीदा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो होता है क्या, आप एक शेयर खरीदे, दो शेयर खरीदे, आपने एक शेयर खरीदा, आपने दो शेयर खरीदा, इस तरीके से आप जितना मन चाहे उतना शेयर खरीद सकते हो। बास्केट ट्रेडिंग में क्या होता है, इन्वेस्टर्स ना ट्रेड करते हैं इन अ होल लॉट, एक एक लॉट होता है, मतलब एक दो तीन शेयर का खेला नहीं है ये एक दो शेयर खरीदा ऐसा नहीं चलता। इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर सेंसेक्स होता है, एक सेंसेक्स में 30 स्क्रिप्ट होते हैं, कितने होते हैं 30 स्क्रिप्ट होते हैं, और निफ्टी में कितने होते हैं 50 होते हैं, ठीक है ना। तो एक सेंसेक्स आपने खरीद लिया मतलब 30 स्क्रिप्ट आपने खरीद लिया, अब वो अगर आपको बेचने हैं तो पूरे 30 बेचने पड़ेंगे, अगर आपको खरीदने हैं तो पूरे 30 खरीदने पड़ेंगे, मेरी बात समझ में आ गई ना, उसको कहते हैं बास्केट ट्रेडिंग। तो बास्केट ट्रेडिंग में होता क्या है, इन्वेस्टर्स ट्रेड इन द होल लॉट एट अ गो, एक साथ में एक साथ खरीदते हैं 30 का 30 या एक साथ खरीदते हैं। तो हम क्या कहते हैं वैसे को, हम कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 सेंसेक्स खरीदा, 2 सेंसेक्स खरीदा, मतलब कि 1 सेंसेक्स में 30 खरीदा, 2 मतलब 60 खरीदा, बात बराबर। निफ्टी का मतलब क्या होता है, 50 से स्क्रिप्ट होते हैं, तो देखो बाय और सेल 30 स्क्रिप्ट टू सेंसेक्स एट वन गो, एक गो में वो क्या करते हैं 30 खरीद लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग समझ के पूरी की पूरी बास्केट खरीद लेते हो आप, ठीक है, एकदम समझ में आ गया, बहुत अच्छे, आई होप अब आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन देखो समझने आने के बाद आपको एमसीक्यू आप ट्राई करना घर पे, एंड आई एम टेलिंग यू आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टर्म, दैट इज बदला। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ सकता, लेकिन उसको मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। लेट्स मूव अहेड, यहीं पे समझाती हूँ ताकि आपको ये नोट्स में अवेलेबल करा पाओ। चलो अब बदला का मतलब क्या होता है सुनना अच्छे से, बदला का मतलब क्या होता है। अब मैंने आपको बोला बास्केट ट्रेडिंग, बोला ना मैंने आपको, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने सेंसेक्स में, आपने सोचा कि हम सेंसेक्स में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, सेंसेक्स के 1000 शेयर्स आपने खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे 1000 शेयर्स, ठीक है, एक एक लॉट था उसमें 1000 शेयर्स थे, और ये पूरे के पूरे लॉट का प्राइस कितना है 35,000, कितना है 35,000 ही पूरे लॉट का प्राइस है, आपने इसको बाय कर लिया, बाय कर लिया, आपको पता है कि कुछ महीने बाद आफ्टर वन मंथ इसका प्राइस बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, और मैं क्या करूंगा बेच दूंगा, और मेरे बल्ले बल्ले, समझ में आ गया आपको। तो आपने क्या किया, वन मंथ वेट किया, वन मंथ के बाद अब इसका प्राइस कितना हुआ, वन मंथ सुनना ध्यान से प्लीज, वन मंथ के बाद इसका प्राइस हो गया ₹37,000, कितना हो गया 37,000। अब आपको आपका आपका प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आप कैलकुलेट करो व्हाट इज द प्रॉफिट ना, व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका होता है 2000 राइट इनटू 1000 शेयर्स, इतना ही तो होगा ना, तो कितने हो गए 20 लाख शेयर्स हो गए, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन जैसे आपकी प्रॉफिट हुई ना, आपके अंदर लालच आ गया, क्या आ गया, आपके अंदर लालच आ गया, आपने बोला अरे यार इतना मजा आ रहा है, एक काम करता हूं मैं एक और मंथ कर रखता हूं, तो आपने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया, यू कैरी फॉरवर्ड दिस, आपने ये पूरा सेंसेक्स कैरी फॉरवर्ड किया इस सेंसेक्स को फॉर अनदर वन मंथ, पहले वन मंथ के लिए रखा था आपने, लेकिन अब आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया फॉर अनदर वन मंथ, इसी को हम कहते हैं बदला, क्या कहते हैं बदला। जब आप अपना एक ट्रांजैक्शन को सेटल पूरा नहीं करते हो, आप उसको वन सेटलमेंट से, इस सेटलमेंट से आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले महीने के सेटलमेंट में, मतलब अब देखो अगले महीने क्या हुआ, अब अगले महीने क्या होता है, आपका प्राइस हो जाता है लालच बुरी बला, तो अब अगले महीने आपका प्राइस हो गया फॉर एग्जाम्पल 33,000, तो अब आपको दिख रहा है लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ भाई साहब, लॉस हो गया आपको, आपने 35 में खरीदा था ना, तो वही 2000 इंटू 1000 शेयर्स कितने हुए 20 लाख, अब आपको 20 लाख का लॉस हो गया, ठीक है ना। फिर आपने बोला नहीं एक काम करते हैं, पापा से अगले महीने भरेगा, आपने फिर से कैरी फॉरवर्ड कर लिया,
आपने फिर से कैरी फॉरवर्ड किया कैरी फॉरवर्ड फॉर अनदर वन मंथ, फॉर अनदर वन मंथ। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब आपने एक और महीने को सेटल किया, अब आपने क्या किया, इसको एक और महीने को आप लेके चले गए, लेके चले गए। अब मेरी बात सुनना, अब क्या होता है, प्राइस फिर क्या हो गया, प्राइस आपका हो गया अब 30,000। अब आप कहीं के नहीं रहे, अब आपकी लॉस कितनी हो गई, 5,000 इंटू 1,000 शेयर्स हो गई ना, कितना बन गया 50 लाख। मतलब क्या हो गया, बहुत लॉस हो गया आपका, इतना आपका लॉस हो गया और अब आपने बेच दिया। तो देखो आपने कितनी बार बदला किया, आपने 2 times बदला किया, क्या आपको दिख रहा है, 2 times आपने किया। पहला आपने यहां किया था फर्स्ट मंथ, सेकेंड आपने यहां किया था फॉर सेकेंड मंथ, समझ में आया, 2 months। तो इसको हम क्या कहते हैं, बदला कहते हैं। तो क्या आपका ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए चार्जेस लगेंगे क्या, यस लगते हैं, कटते हैं, उसको हम कहते हैं मार्जिन मनी और बदला चार्जेस। तो प्लीज रीड करते हैं कि व्हाट इज अ बदला, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड, कितना था यहाँ पे 1 month का, टू अनदर विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी। क्या आपने बेचा खरीदा नहीं, आपने कुछ डिलीवरी नहीं ली, आपने बस उस पूरे सेटलमेंट को दूसरे महीने, चलना एक और महीने कर देना, आपने एक और महीने करवा दी, मेरी बात समझ में आ गई। तो क्या किया आपने, विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट बाय पेइंग द मार्जिन मनी, ये आपका चार्जेस है। मतलब आप जो कैरी फॉरवर्ड करवाओगे तो फ्री में तो कोई नहीं करेगा, आपको एक पैसा देना पड़ेगा, आपको एक कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, उसको कहते हैं मार्जिन मनी या फिर बदला चार्जेस। ये आपको देना पड़ता है, वो डिपेंड करता है आपका डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तब आप देते हो। तो क्या आपको बदला का मतलब समझ में आ गया, तो बदला का मतलब अगर एकदम शॉर्ट में बोलूं तो क्या है, कैरी फॉरवर्ड करते हो आप एक सेटलमेंट को दूसरे पीरियड तक, एक सेटलमेंट को अनदर पीरियड के लिए जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो उसको हम क्या कहते हैं, बदला। और बदला में आपको पैसा देना पड़ता है, मार्जिन मनी एंड बदला चार्जेस आपको देना पड़ता है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, आई होप दिस वॉज वेरी इजी, एकदम क्लियर है। तो आप एमसीक्यूज देखना, आपको कितना अच्छे से याद हो जाएगा, एमसीक्यूज में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड को एकदम डिटेल में समझा रही हूं। नाउ नेक्स्ट कम्स आर बीटा। अब ये बीटा क्या है, बीटा तो आपने पढ़ा होगा आई गेस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में तो सिचुएशन में बीटा आपने पढ़ा होगा। बीटा का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनते हैं कि क्या होता है। आपके इंटरमीडिएट में ना जब आपका SFM और वगैरह आ जाएगा ना, आई एम टेलिंग यू, यू आर ओनली गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, पूरा एक सब्जेक्ट है इस पे, तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में MCQs में दिक्कत ना आए, आपको एकदम दिमाग में आपकी क्लियर रहे कि इसका मतलब तो यही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, 10 numbers तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। चलो बीटा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला टाटा, मैंने बोला इंफोसिस, टाटा छोड़ देते, विप्रो कर देते, ठीक है, विप्रो, इंफोसिस, और बताओ आईटी का और क्या हो सकता है, आईटी का और फर्म्स क्या हो सकते हैं, विप्रो, इंफोसिस, आईटीसी, टीसीएस हो गया, टीसीएस, ठीक है। अब ये सारे मेरे क्या है, आईटी फर्म्स है, आपको पता है ये सारे मेरे आईटी फर्म्स है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने विप्रो का शेयर खरीदा, विप्रो का शेयर खरीदा, खरीद दिया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेरी गुड चॉइस। अब होता क्या है, आईटी का जो मार्केट है ना वो अचानक से रिसेशन में चला जाता है, किसमें, रिसेशन में, मतलब डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो मार्केट है, मार्केट आपका नीचे गया, तो ये जो आपका बीटा क्या बताता है कि जब आपका मार्केट नीचे जाता है या मार्केट ऊपर जाता है, जब आपके मार्केट में चेंजेस आते हैं, तो उस मार्केट के चेंजेस का क्या असर होता है, क्या फर्क पड़ता है आपके इस शेयर में, मेरी बात समझ में आ गई। जब आपके मार्केट में चेंजेस आता है, जब आपके मार्केट में चेंजेस आता है, तो इस चेंज का क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन योर शेयर, आपके शेयर पे इसका क्या इफेक्ट आता है, उसी को हम कहते हैं सेंसिटिविटी, एंड वी कॉल इट बीटा, एंड वी कॉल इट बीटा। वापस से समझा रही हूं, सुनो अच्छे से, देखो सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का मतलब शेयर जो भी आप लेते हो, विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, मतलब अगर आपका मार्केट इंक्रीज होता है और इंक्रीज बाय 10%, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका मार्केट इंक्रीज हो गया बाय
10%, ठीक है ना। और तो इसका शेयर, विप्रो का शेयर कितना में, कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, 2% से। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सेंसिटिविटी कितना था, 2%। मतलब मार्केट जब 10% चेंज हुआ, नहीं मार्केट 1% से, 10 तो नहीं कह सकते ना, मार्केट आपका अगर 1% से चेंज होता है तो आपके शेयर में कितना परसेंटेज का चेंजेस होता है, 2%। तो आपका कितना हुआ, 2% का आपका बीटा सेंसिटिविटी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक, सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट, मार्केट अगर 1% से ऊपर होता है तो शेयर कितने परसेंट से ऊपर होगा, मार्केट अगर 1% से नीचे होता है तो शेयर कितने परसेंट से ऊपर होगा या नीचे होगा, ये सारी चीजों को हम सेंसिटिविटी कहते हैं, सेंसिटिविटी, और उसको हम क्या कहते हैं, बीटा। क्या बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड विद बिजनेस रिस्क। अरे बहुत ईजी है बिजनेस रिस्क, को कुछ है ही नहीं इसमें, जल्दी से देखो बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, अब देखो आपने लोन लिया, ठीक है, आपने मेरे से लोन लिया और आप लोन चुका नहीं रहे हो या फिर आपको लोन चुकाना है, तो एक तरीके से मैंने मैंने आपको लोन दिया सपोज फॉर एग्जांपल, और आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मेरा रिस्क हुआ ना, मैंने आपको लोन दिया आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा रिस्क बना ना, वैसे रिस्क को हम बिजनेस रिस्क नहीं कहते, बस बात क्लियर। मतलब ऐसा रिस्क जो आपके डेट से रिलेटेड न हो, मतलब डेट मतलब लेना देना से रिलेटेड न हो, ऐसा रिस्क जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो, मतलब क्या, मैंने एक बिजनेस चालू किया है, मस्त एकदम जोश में आके मैंने एक बिजनेस चालू किया, लेकिन मैं सुबह उठती नहीं हूं, मैं 12-1 बजे तक सोती रहती हूँ, सुबह का मार्केट मेरा चला जाता है, तो ये बिजनेस ऑपरेशन, या फिर मेरा टाइमिंग ऐसा सेट नहीं बैठ रहा कि मैं मार्केट को कैप्चर कर पा रही हूँ, मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है कि मैं मार्केट को कैप्चर कर पा रही हूँ, या फिर मैं जैसे ही मार्केट में एंटर करी, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, मस्त एकदम बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट खोला था और एकदम अच्छे अच्छे लाइटिंग्स लगवाए थे, एकदम अच्छा सा इंटीरियर करवाया था, तभी कोरोना हो गया कोरोना, तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या मेरा डेट का इश्यू है, क्या मेरा लोन का इश्यू है, क्या नहीं, मेरा बिजनेस ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ऐसे 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 रिस्क को हम क्या कहेंगे, बिजनेस रिस्क कहेंगे, क्या कहेंगे, बिजनेस रिस्क कहेंगे, जो आपका बिजनेस ऑपरेशन से इनहेरिट होता है, नॉट बिकॉज ऑफ डेट, देयर इज नो रिस्क विद डेट, इट इज इनहेरिटेड बिकॉज ऑफ योर फर्म्स ऑपरेशंस। इजी समझ में आया, बहुत इजी था, लेट्स मूव फर्दर, और आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, देखो एक साथ सब कुछ लेके आई हूं, एकदम छोटा छोटा पार्ट्स में समझा रही हूँ, बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ, एग्जांपल्स के साथ समझा रही हूँ, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये हेल्प कर रहा होगा, तो प्लीज पे अटेंशन कीजिए, जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुन लीजिए, और आपका ये चैप्टर यही हो जाएगा, विद इन दीज फ्यू क्लासेस दैट आई टेक, वही आपका ये चैप्टर खत्म, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा और आप एमसीक्यू यू कर दोगे, ठीक है ना, तो जस्ट पे अटेंशन, जस्ट थोड़ा सा अटेंशन पे करना, दैट्स ऑल। लेट्स मूव अहेड विद टाइप्स ऑफ स्टॉक। अब ये क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एग्जांपल्स लेके आई हूं, ये चार टाइप के स्टॉक्स को जल्दी जल्दी अच्छे से समझते हैं। ब्लू चिप स्टॉक जो होता है ना, ये राजा होता है, क्या होता है, राजा होता है, राजा होता है बाकी स्टॉक्स में, मतलब क्या, ये बिजनेस इतना अच्छा होता है, इसका बिजनेस इतना अच्छा होता है, इसका बैलेंस शीट इतना अच्छा होता है, ये इतना प्रॉफिट कमाता है, और ये अपने शेयर होल्डर को इतना भर भर के अर्निंग्स देता है और डिविडेंड्स देता है। मेरी बात समझ में आ गई, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाई अर्निंग स्टॉक बोल सकते हो आप, ठीक है ना, तो ये शेयर का क्या हो गया, शेयर्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड, वेरी फाइनेंशियली साउंड, बहुत अच्छा होता है, लॉस में तो कंपनी आप सोच भी नहीं सकते कि ये कंपनी लॉस में जाएगी, मेरी बात समझ में आ गई, बहुत ही बेहतरीन कंपनीज होती है, बहुत अच्छा इनका बिजनेस चलता है, बहुत हाई प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं और अपने शेयर होल्डर को एकदम मजे में रखते हैं, समझ में आया, साउंड कंपनीज होता है विद एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स, एग्जाम्पल क्या, TCS, HDFC, ये आपका एग्जाम्पल है ब्लू चिप स्टॉक का, ऐसे कंपनीज की जो स्टॉक्स होते हैं वो महंगे होते हैं, काफी महंगे होते हैं, और ये आपका बहुत अच्छा, इसमें रिस्क कितना इतना नहीं होता, बिकॉज ये आपकी कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स देते रहते हैं, लेकिन बस ये बहुत ही ज्यादा
क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा महंगा होता है। समझ में आया? तो ब्लू चिप समझ गए, ब्लू चिप। नेक्स्ट डिफेंसिव स्टॉक, मतलब क्या हो गया? डिफेंसिव स्टॉक का मतलब होता है कि ये इतना हाई आपको आपको हाई डिविडेंड्स प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको हाई अर्निंग्स प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन बराबर से प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या कि स्टेबल अर्निंग देता है, मतलब हर साल आपको बराबर बराबर अर्निंग देगा। इसमें क्या है, आपका ग्रोथ का बहुत चांसेस है, ग्रोथ बहुत ज्यादा सब्सटैंशियली हाई होता है, हर साल आपका सब्सटैंशियली हाई ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है, स्टेबल रहता है, इतना ग्रो नहीं करता, बट नुकसान नहीं होता, लॉस की आपको टेंशन नहीं है, लॉस भी नहीं, आपको टेंशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, आपको लॉस का भी इतना टेंशन नहीं है, वो आपको स्टेबल। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम पे क्या होगा, बहुत सारी कंपनी ठप पड़ जाएगी या बहुत सारी कंपनी शेयर होल्डर को देंगी नहीं, लेकिन ये देगी, ये आपको कंटिन्यूस देती रहेगी। इकोनॉमी चाहे कितना भी खराब कर ले, ये आपको देगी, लेकिन थोड़ा 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 करके देगी, तो डिफेंसिव होता है। ठीक है, प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग्स इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। मतलब अगर आपकी इकोनॉमी खराब भी कर रही होगी तो भी ये क्या देगी, कॉन्स्टेंट डिविडेंड देती रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लोगे, कोका कोला आपका एक तरीके से डिफेंसिव स्टॉक में जाना जाता है, जॉनसन एंड जॉनसन आपने सुना होगा, ये भी आपका एक तरीके से डिफेंसिव स्टॉक है। क्लियर, समझ में आया? तो ब्लू चिप समझ में आ गया, मस्त एकदम चकाचक आपको एकदम इंटरेस्ट देती है, इसका अकाउंट बहुत सही है, इसका प्रॉफिट बहुत सही है, शेयर होल्डर मजे में रहते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। डिफेंसिव स्टॉक का क्या बताया मैंने कि नहीं भाई साहब, अरे देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देंगे ना, लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होने देंगे। ठीक है, लिस्टेड स्टॉक्स तो आपको पता ही है, कंपनीज दैट आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहता है, सेंसेक्स निफ्टी वगैरह में लिस्टेड रहता है। नेक्स्ट है आपका इनकम स्टॉक। तो बेसिकली ये तीनों में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तीनों आपको दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये, इन तीनों में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला का डिफरेंस बता दिया, ये वाला का बता दिया, अब ये वाला सुनते हैं। अ सिक्योरिटीज विच हैज अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स एंड ऑफर्स डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक। मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके से आप कमाने के लिए करते हो, ये जो इनकम स्टॉक है ना, ये आप लेते ही हो सिर्फ कमाने के लिए। मतलब क्या, आप बहुत पैसा लगाओगे इसका ना, बहुत हाई रेट्स में मिलता है, वेरी हाई रेट्स में इसका स्टॉक मिलता है, बहुत हाई प्राइस होता है, इतना हाई प्राइस होता है कि आप लेने से पहले सोचोगे, लेकिन अगर आपने ले लिया तो आपको बहुत सॉलिड, मतलब जो बाकी के जो ये सारे मिला के आपको जो रिटर्न्स नहीं दे सकते ना, वो सिर्फ आपका एक ये इनकम स्टॉक आपको दे देगा। तो मतलब क्या हो गया, विच हैज अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स, बहुत अच्छे डिविडेंड पेमेंट्स देते हैं और बहुत हायर आपको इनकम दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है कंपेयर टू कॉमन स्टॉक, इससे भी ज्यादा। ये तो क्या है आपका देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये इनकम स्टॉक आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट को भी मान लेते हैं और वेरिजॉन कम्युनिकेशन, इसका बहुत कम है लेकिन है, कुछ कुछ है जो आपको अच्छा खासा आपको वो देता है। समझ में आ गया? क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड विद कैपिटल बजटिंग, इतना आपको क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, आई एम वेरी श्योर आपको डाउट्स नहीं होंगे, बट स्टिल। और अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही है, अगर मेरा ये कोशिश आपको पसंद आ रहा है, तो आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट इफ यू लीव अ कॉमेंट और इफ यू लीव अ लाइक बटन। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं विद कैपिटल बजटिंग, थोड़ा सा और करते हैं आज, ठीक है ना। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हुज कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड बियॉन्ड ईयर। मतलब क्या, ये कैपिटल बजटिंग का पूरा भर के चैप्टर आपके पास आएगा, अभी आने वाला है, वंस यू क्लियर योर फाउंडेशन। सो दिस इज द चैप्टर यू विल बी स्टार्टिंग विथ योर इंटरमीडिएट, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने एक मशीन खरीदा रुपीज 5 लाख में, कितने में, 5 लाख में, कौन सा डेट में, 2021 में, ठीक है। ये मशीन आपने क्यों खरीदा था, आपने खरीदा था ताकि आप शर्ट्स को प्रोड्यूस कर सको बहुत अच्छे अच्छे और एक्स्ट्रा जो आपके शर्ट्स है, और आपकी इनकम इस मशीन की वजह से कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप और शर्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे, जितने शर्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे उतना आप बेच पाओगे, तो आपकी इनकम इस मशीन की वजह से कितनी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एनुअली ले लेते हैं, अराउंड 1 लाख बढ़ जाएगी, एनुअली आपका 1 लाख बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
अब मेरी बात सुनना, कैपिटल बजटिंग में आप क्या डिसाइड करते हो? आप ये डिसाइड करते हो कि ये 5 लाख का मशीन क्या मैं इन्वेस्ट करूं, ये 5 लाख का मशीन क्या मैं खरीदूं, ये 1 लाख का एनुअल जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, जो कमाई होगी, विल इट बी वर्थ इट? तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप एक तरीके से अंदाजा लगाते हो कि आपको 5 साल में 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, राइट? 1-1 लाख रुपए आपको 5 साल मिलेंगे, राइट? ये 5 साल, अब इन्फ्लेशन भी तो होगा, तो इसको आप क्या करते हो, आज के रेट्स पे इस 1 लाख को आप पुल बैक करते हो। ये सब आप सीखोगे। देखो अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं आपको, बिकॉज आपको अगर मैं ये सिखाने बैठ जाऊं कि कैसे पुल बैक करते हैं ये सारी चीजें, तो आप भूल जाओगे, आप अपना फाउंडेशन भूल जाओगे। तो एक बार के लिए मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हाउ इज इट इज डन। तो आप क्या करते हो, ये सारे रुपए जो आप आगे फ्यूचर में कमाने वाले हो, उसको आप आज के रेट से कंपेयर करते हो कि क्या मेरा आउटफ्लो मेरा इनफ्लो से ज्यादा है क्या? वो मेरा इनफ्लो से कम तो नहीं, कम है ना, मेरा आउटफ्लो आपका कम होना पड़ेगा कंपेयर टू योर इनफ्लो। आउटफ्लो आपका कम होना पड़ेगा कंपेयर टू योर इनफ्लो। अगर वो है तो ही आप परचेज करते हो, तो ही आप गो अहेड देते हो। तो एक तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हो ना, एक तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हो एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हूज कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड बियॉन्ड 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद मिलेगा। तो इस पूरे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल हो गया आपका एसेट वाला, और बजटिंग हो गया जो एसेट्स खरीदते हैं ना उसको बजटिंग करना। समझ में आया? क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। कैपिटल गेन यील्ड्स, ये तो बहुत ईजी है यार, कैपिटल गेन का यील्ड्स। अब मैंने क्या बोला, कैपिटल गेन ड्यूरिंग ईयर डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस। मतलब क्या सुनना, सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर खरीदा, शेयर आपने खरीदा था ईयर के 2020 में, कितना खरीदा था आपने, खरीदा था 4 रुपीज 1000, ठीक है? और 2021 आते आते तक उस शेयर प्राइस का दाम कितना हो गया, 1100, ठीक है? आपका कितना डिफरेंस, कितना आपको कितना रिटर्न मिला पर ईयर, 1 साल में, 1 ईयर में आपको कितना रिटर्न मिला, 100 रुपीज, राइट? तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपका यील्ड कितना था, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, कितना रिटर्न था, तो आप क्या करोगे, आप मेरे को ये कैलकुलेशन करके बताओगे, 100 क्योंकि आपको कितना था, 100 माइनस 1000, इतना ही तो चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय कितना प्राइस में खरीदा था आपने, 1000 में खरीदा था, इनटू 100, यही तो आप मेरे को कैलकुलेशन बताओगे ना, इसके अलावा तो कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। परसेंटेज कैलकुलेट करने बोल रही हूँ, कितना आपको मिला। तो आप कैलकुलेट करके आपने मुझे बताया, मैम मेरा ना 10% का ग्रोथ हो गया, कितना परसेंट, मेरे को यील्ड कितना मिला, 10% का मिल गया। तो इसी को हम कहते हैं कैपिटल गेन्स यील्ड, मतलब कैपिटल गेन ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस। क्लियर? तो आपका कैपिटल गेन कितना था, 100, और बिगिनिंग प्राइस कितना था, 1000, तो आपको मिल गया 10%, बराबर? बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड विद द कैपिटल मार्केट। अरे मार्केट तो समझ में आ गया, फाइनेंशियल मार्केट फॉर स्टॉक, उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। जैसे आप अभी क्लॉथ के दुकान में जाओगे, आप कपड़ों के मार्केट में जाओगे, सरोजिनी नगर वगैरह, वो क्या है, क्लॉथ मार्केट है। वैसे ही जहां पे आप शेयर्स खरीदने जाते हो, वो क्या हो जाता है, कैपिटल मार्केट हो जाता है, ठीक है ना? नाउ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, अ सिक्योरिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिक्योरिटी एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्या होता है जनरली, मेरी बात ध्यान से सुनना। जनरली क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, एक कंपनी होती है, कंपनी को फंड्स चाहिए, क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। तो कंपनी लोन लेती है ना, लोन, लोन के बदले में कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर देती है, आपको पता होगा। अब होता क्या है, कंपनी ने फिर उस पब्लिक को, डिबेंचर होल्डर को कहा होता है कि अगर मैं आपको 5 साल तक लोन न चुकाऊं, अगर 5 साल तक मैं लोन न चुकाऊं, तो इस डिबेंचर को मैं क्या करूंगा, मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब आपको मैं कंपनी का शेयर होल्डर बना दूंगा। टेंशन क्या है आपको, आपको कंपनी का शेयर होल्डर मैं बना दूंगा। तो इसको क्या कहते हैं, आपने कन्वर्ट किया ना, आपने डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। और लेकिन ये कब होता है, जब आपका होल्डर रेडी हो, डिबेंचर होल्डर अगर रेडी होगा कि हाँ ठीक है, मुझे इक्विटी में कन्वर्ट कर देना, मुझे शेयर होल्डर बना देना,
तभी आप ये कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज एट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिक्योरिटी एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। यही चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ ज्यादा होता है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, फिर कंप्लीट कराएंगे, डोंट वरी। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपका, पूरा भर के एक चैप्टर है, आई एम टेलिंग यू ऑल एंड यू विल लव दैट सब्जेक्ट, ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, डिराइव का मतलब क्या होता है, डिराइव का मतलब कि लेके आना, डिराइव का मतलब डिराइव, वेयर डू यू डिराइव योर इंस्पिरेशन फ्रॉम। आप बोलोगे आई डिराइव माई इंस्पिरेशन फ्रॉम सम सब पर्सन, माई टीचर, माई पेरेंट्स, तो आप कहां से लाते हो अपना इंस्पिरेशन। वैसे ही डेरिवेटिव्स क्या होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, देखो मैं हर चीज एग्जांपल से क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में इतना मस्त बैठ जाए ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड बॉन्ड्स का बात कर रही हूँ, किसका बात कर रही हूँ, गोल्ड बॉन्ड्स। अब मैम गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है, जैसे आप शेयर खरीदते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वैसे ही आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप करते क्या हो, आप जाओगे बैंक के पास, जाओगे कोई सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे कि भाई साहब एक बॉन्ड देना, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। तो आप लगा दोगे सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, ठीक है ना। अब ये 10,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे, तो कुछ 5 साल के लिए किया आपने, 5 ईयर्स के लिए किया, 5 ईयर्स के बाद मेच्योरिटी में या फिर जब आप बेचना चाहो, कुछ भी होता है, बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं, तो तब आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना प्राइस कैसे मैं डिटरमाइन करूं, ये बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड आपने खरीदा है इसका प्राइस, जो आपने 10,000 में खरीदा है इसका प्राइस एट मेच्योरिटी मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी, हाउ विल आई डू दैट, वो प्राइस मैं डिराइव करूंगी अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। आपका बॉन्ड कितना, कौन सा था, गोल्ड बॉन्ड था, आपका बॉन्ड कौन सा था, गोल्ड बॉन्ड था। तो मतलब अब मेरी दिमाग की बत्ती जल गई, मतलब मेच्योरिटी के टाइम पे मैं ये देखूंगी कि 10,000 वाला जो गोल्ड जो 5 साल पहले था उसका वैल्यू आज कितना है, मतलब एक्चुअल गोल्ड का वैल्यू आज कितना है, एक्चुअल गोल्ड का वैल्यू आज कितना है, उतना ही वैल्यू आपका बॉन्ड का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे आज से 2 साल पहले आपका सोना का भाव, एक मतलब आपका जो गोल्ड का भाव कितना था, आपका था 35,000, वही आज कितना है, वही आज आपका है 50,000। मेरी बात समझ में आ रही है, 15,000 इंक्रीज हो चुका है रेट्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, वही चीज मैं आपको बता रही हूं कि 10,000 आपका 5 साल पहले था, उसी का वैल्यू गोल्ड का कितना है आज, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो उसका वैल्यू, वो जो प्राइस कहां से डिटरमाइन हुई, ये प्राइस कहां से डिटरमाइन हुई, ये डिटरमाइन हुई आपकी बॉन्ड से, गोल्ड से, गोल्ड से। तो इसको बोलते हैं गोल्ड बॉन्ड। अगर कोई और होगा, जैसे कोई और एसेट से आपने बॉन्ड खरीदा है, तो एग्जांपल हम उस एसेट का प्राइस को लेंगे। समझ में आया। तो जनरली ये गोल्ड बॉन्ड्स में बहुत होता है, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारे डेरिवेटिव्स है जो आप पढ़ोगे, धीरे धीरे आएगा आपके, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज देखो, हु डिराइव्स इट प्राइस फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स लाइक गोल्ड बॉन्ड्स। जो एक या एक से ज्यादा आपका अंडरलाइंग एसेट्स होता है, जो डिराइव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्या लास्ट पॉइंट, लास्ट टर्म फॉर टुडे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। अब आपने शेयर खरीदा, मेरी बात ध्यान से सुना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाली हूं अभी। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन, मैंने आपको बोला विप्रो में आपने शेयर्स खरीदा, ठीक है, फिर आपने इंफोसिस में खरीदा, ठीक है, फिर आपने टीसीएस में खरीदा, किसमें खरीदा, टीसीएस में खरीदा, ठीक है ना। आपने मजे में बोला अरे मैंने 3 कंपनी के शेयर खरीदे। जब आईटी इंडस्ट्री समझते हो, जब आईटी इंडस्ट्री ऊपर होगी तो ये तीनों के प्राइस ऊपर होंगे, जब आईटी इंडस्ट्री डाउन होगी तो ये तीनों के प्राइस डाउन होंगे। नुकसान तो आपको तीनों एक साथ हो जाएगा ना, एक साथ हो जाएगा ना। तो क्या हमारा क्या एक बेसिक लॉजिक क्या कहता है कि जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो एक आईटी का रखो,
एक आप सीमेंट का रखो, एक आप कोई और टेक्नोलॉजी का रख लो, एक आप ये फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स टेक्सटाइल का रख लो। इस तरीके से अपना शेयर्स को ना हर तरीके से डाइवर्सिफाई करो, ताकि अगर एक आपका इंक्रीज होए, एक आपका डिक्रीज होए, तो दूसरा आपका इंक्रीज हो जाए, तो आपका क्या होगा, एक साथ में पूरा का पूरा लॉस ना हो जाए। समझ में आया? रिड्यूसिंग रिस्क बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट सेक्टर्स। सेक्टर्स का मतलब इंडस्ट्री, सेक्टर्स का मतलब इंडस्ट्री। तो क्या बोला मैंने कि आप एक ही सेक्टर का सारा शेयर्स खरीदोगे, अरे तो आईटी इंडस्ट्री नीचे होगी तो सारी कंपनी तो नीचे हो जाएगी ना। तो अलग अलग इंडस्ट्री का आप खरीदो, ताकि अगर एक इंडस्ट्री ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आएगी, तो बराबर हो गया। एक नीचे जाती है दूसरी तो ऊपर आनी ही आनी है, तो बराबर हो जाएगा। तो आपका रिस्क इससे रिड्यूस हो जाता है। क्या मेरी बात ध्यान से समझ में आई? एकदम क्लियर। आज का हम यहीं पे ओवर करते हैं, बिकॉज बहुत सारा ऐसे टर्म्स हम एक साथ नहीं समझा सकते आपको, लेकिन आपका आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स मेरे चैनल में अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड प्लीज कीप ऑन स्टडिंग, दिस इज द लास्ट चैप्टर, एंड आई होप जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में हेल्प किया है, वैसे ही मैं आगे आपको हेल्प करती चलूं, ठीक है? हार्डली इस चैप्टर में आपको 2 से 3 क्लासेस और लगेंगे, क्योंकि मैं इतने डिटेल में समझा रही हूँ, इसीलिए अगर मैं आपको रीडिंग कर लूँ तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? लेकिन डिटेल में समझाने का कारण है, इवन यू नो देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स दैट आर स्टिल रिमेनिंग, बहुत सारे टर्म्स है जो अभी भी बचे हैं। सो ये हम कल की क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज वेरी 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 नाइस हैविंग यू ऑल। आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। इफ यस, सो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, लाइक एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव दोज स्टूडेंट्स जॉइनिंग मी इन माय क्लास। थैंक यू सो मच। और एक और चीज, एक और गुड न्यूज है कि मैं BCR का लेक्चर बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। सो आप मेरे को लाइव जो ग्रामर पार्ट है वो मैं लाइव लेने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अटेंड माय लाइव लेक्चर्स, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, ताकि आपको वो जो ग्रामर पोर्शन का 10 मार्क्स है वो आपको यू मिल जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय बाय।